समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर वो मैनपुरी की पहली महिला सांसद डिंपल जी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो भंडारा है वो लगाया गया है। लेकिन महिला सभा सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, आज किस तरीके से डिंपल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है? डिंपल जी सांसद मैनपुरी ही नहीं, हम सबकी प्रेरणा स्रोत है, बहुत ही संवेदनशील और महिला सशक्तिकरण के बारे में हमेशा बात करने वाली महिला हैं। हम लोगों की आवाज़ सशक्त रूप से वो लोकसभा में उठाती हैं, पहले भी उठाई है, तो आज हम लोगों के लिए बहुत ही उत्सव का दिन है कि उनका जन्मदिन है। तो हम लोग महिलाएं, पुरुष, युवा हर जगह मिला, कहीं पर क्रिकेट मैच हो रहा है, कोई ओल्ड होम जा रहा है, कोई भंडारा कर रहा है, कोई केक काट रहा है, क्योंकि हम सबके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है। राजनीतिक बात करें अगर तो आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश जी को तमाम जो है गिरगिट जैसे रंग शब्दों से नवाजा। देखिए आज का दिन हमारी सांसद के जन्मदिन का दिन है, उनको शुभकामनाएं, मायावती जी का भी जन्मदिन है, उनको भी शुभकामनाएं। हम 2024 जनता के मुद्दों पर लड़ेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके निर्देश में लड़ेंगे, बाकी वो क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन की अटकलें तेज थी लेकिन उन्होंने साफ किया कि इंडिया की गठबंधन में वो शामिल नहीं होंगी क्योंकि उनका गठबंधन में नुकसान होगा। ये उनकी मर्जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सशक्त और मजबूत लेकिन हमारे अधिकार जिस गठबंधन में सुरक्षित रहें वो गठबंधन बने और इसके लिए निरंतर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोशिश कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा दिल है, पहले भी हमने बसपा से भी और कांग्रेस से गठबंधन किया और कोई शिकायत किसी को नहीं हुई। अभी तो ज़रूरी है कि जो ताकतें उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं कर रही हैं उनको हटाना है और एक नई सरकार को लाना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह का साफ तौर पर कहना आज डिंपल जी का जन्मदिन है, कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से मना रहे हैं और उनकी विंग भी भंडारे के जरिए कहीं ना कहीं उनके जन्मदिन को शिरकत कर रही है और मना भी रही है। कैमरा पर्सन निखिल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।